मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे C9। C9 पेपर का है आपका, अंदर आता है जो पेपर आपका C9 अधिगम के लिए आकलन, जिसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 में आपका जो पेपर है उसका नाम हो गई व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक आकलन। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक होगा, कौन सा टॉपिक है? अभियोग्यता तथा अभियोग्यता परीक्षण। ये आज हमारा ये टॉपिक हो जाता है, जो कि बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है, और हमारी लेक्चर संख्या आज का हो जाती है 7। तो चलिए हम लोग देखते हैं अभियोग्यता के बारे में। देखिए अभियोग्यता, ये दो शब्द है, अभिजोड़ योग्यता, तो वही कहते हैं अभियोग्यता का संबंध जो है योग्यता से स्थापित होता है। यानी कि योग्यता का अर्थ क्या होता है? यहां पर योग्यता का अर्थ होता है कार्य करने की शक्ति, यानी कि व्यक्ति कैसे कार्य करता है, उसमें कितनी योग्यता है उस कार्य को करने के लिए। तो वही कहता है, देखिए प्रत्येक व्यक्ति में जो कार्य करने की जो शक्ति होती है, जो योग्यता होती है, अलग अलग होती है। कुछ व्यक्ति में किसी भी कार्य को करने के लिए क्या होती है, उसमें जन्मजात गुण मौजूद होते हैं, या फिर वह किसी परिस्थिति के कारण, या जो भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति के कारण अपनी योग्यता को अपने इच्छा अनुसार अपने आप को उस कार्य में जोड़ देता है, उस कार्य से जुड़ जाता है जिसमें उसकी योग्यता पूर्ण रूप से सहमत होती है। यानी कि इसके अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति में योग्यता कब होती है, कब बनी गएगी, जब वह निरंतर उस कार्य के लिए क्या करता है, प्रयास करता है। यानी कि जब निरंतर प्रयास करेगा तो व्यक्ति की जो अभियोग्यता जो होती है पूर्ण रूप से संभव होती है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, चलिए हम लोग देखते हैं अभियोग्यता के बारे में। कहता है अभियोग्यता किसी एक क्षेत्र या समूह में, कहता है अभियोग्यता किसी एक क्षेत्र या समूह में व्यक्ति की कार्य कुशलता की विशिष्ट योग्यता या क्षमता है। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया अभियोग्यता का दो शब्द हो गया, यानी योग्यता और क्षमता, यानी कि कैपेसिटी। यानी कि ये कहता है विशिष्ट योग्यता या क्षमता है किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति की कार्य कुशलता का। प्रत्येक शक्ति अथवा योग्यता का विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। यहाँ पर अभ्यास करता है, देखिए अभ्यास पर कैसे निर्भर करता है, देखिए जब हम किसी कार्य के प्रति पूर्ण रूप से उस कार्य को करते हैं, तो उस कार्य को करने के दरमियान पहले उस कार्य, कोई भी कार्य करते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या होती है, अभ्यास यानी प्रैक्टिस। जब उस कार्य को हम निरंतर करते चले जाते हैं तो क्या होता है, हमारा प्रयास पूर्णतः क्या हो जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, और वो कार्य हमारा सफल होता है। तो यानी कि कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें क्या जरूरत पड़ती है, अभ्यास करने की जरूरत पड़ती है। अभ्यास मतलब बार बार उसको करने की प्रयत्न, जब हम बार बार करने का प्रयत्न करते हैं तो क्या होता है, वो कार्य हमारा पूर्ण रूप से सफल होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि देखिए कोई भी कार्य की सफलता कब प्राप्त होती है, उसको अभ्यास करते हैं, क्योंकि व्यक्ति किसी भी चीज को सीख कर नहीं आया, ठीक है, वो क्या करता है उस कार्य को करते करते, यानी कि उस कार्य को सीखते सीखते, यानी अभ्यास करते करते उस कार्य को सीखता है। तो वही यहाँ पर कहता है कि प्रत्येक शक्ति अथवा योग्यता का विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें और जोड़ते हैं, लेकिन कुछ विशेषताएं या योग्यता ऐसी भी है जिनका औपचारिक रूप से कोई अभ्यास न किए जाने पर भी क्या होता है,
प्रस्फुटन होता है, यानी कि प्रस्फुटन मतलब यहाँ क्या होता है, विख्यात हो जाता है। लेकिन देखिए कुछ ऐसे भी हम लोग व्यक्ति को देखते हैं जो क्या हो जाता है, अभ्यास नहीं करता, ज़्यादा उसको अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा बहुत अगर अभ्यास कर लेता है या थोड़ा बहुत कुछ करता है तो क्या होता है उस कार्य में पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, निपुण हो जाता है। यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति में कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती है जिसको उसे क्या करना पड़ता है, सिर्फ उसको पॉलिश करना पड़ता है, यानी कि थोड़ा बहुत उसको देखना पड़ता है। आगे कहता है उदाहरण के लिए, अगर इसका उदाहरण पर बात करते हैं तो चित्रकारी करने वाला, जैसे चित्रकारी करने वाला कोई व्यक्ति अगर अपनी योग्यता को पूर्ण रूप से दिखाना चाहता है तो उसको क्या जरूरत पड़ेगी, बार बार अभ्यास करने का। क्योंकि बार बार जब अगर चित्र बना रहे तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि उसका चित्र, जो चित्र उसको बनाने में 2 घंटे का समय लगता है, लगता था, उस चित्र को वो आसानी से बार बार अभ्यास करने के बाद 2 मिनट 20 मिनट के अंदर में बना सकता है। कविता करने वाला या कविता लिखने वाला, कविता लिखने वाला भी क्या करता है, कविता को लिखने से पहले पहले क्या किया जाता है, शब्दों को मेल लाया जाता है और शब्दों को मेल से शब्दों को जोड़ा जाता है। यानी कि कविता में क्या होता है, शब्दों का खेल होता है। तो शब्दों का खेल कैसे होता है, अगर कोई व्यक्ति कविता लिखते हैं तो अचानक से हम कविता नहीं लिख सकते हैं, कविता लिखने के लिए भी हमें अभ्यास की जरूरत पड़ती है इत्यादि। पहले भले ही, यहाँ पर कहता है इत्यादि, पहले भले ही न कभी किया हो लेकिन विशेष परिस्थिति में पढ़कर उस योग्यता का प्रकाशन अवश्य करने लगता है। यानी कि ये जो बता रहे हैं, ये सब जैसे चित्रकारी करने वाला व्यक्ति, कविता लिखने वाला व्यक्ति, या तो अभ्यास करके अपने आप को निपुण बनाता है या भी पहले नहीं भी किया रहता है तो क्या होता है, जब उसके सामने किसी प्रकार की परिस्थिति जब उत्पन्न हो जाती है, चाहे जो भी परिस्थिति हो, जब परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो क्या करता है, वह उस कार्य में जुट जाता है, लग जाता है और निरंतर अभ्यास करते रहता है ताकि वह कार्य सफल हो और उसके सामने जो भी परिस्थितियां हो वो क्या हो, समाप्त हो जाए। जो इस प्रकार के कार्य के लिए आवश्यक है, यानी कि अगर वो, अगर कोई चित्रकारी करने वाला कोई पेंटर है, अगर वो पेंट करता है तो क्या करता है, अभ्यास करता है। अभ्यास के दौरान वो क्या करता है, जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ती है इसको पेंटिंग करने में, वो क्या करता है, उसको जल्द से जल्द प्राप्त करने का कोशिश करता है। जब उसको मिल जाता है तो क्या जाता है, अधिक से अधिक सुंदर से सुंदर पेंट करें। अगर मान लेते हैं कि कोई कविता लिखने वाला है, चाहे कोई संगीतकार है, तो क्या करता है, जितने भी उसकी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है उस वस्तुओं को पूर्ण रूप से मंगा लेता है, फिर उसके वजह से क्या करता है, अपना कार्य को पूरा करता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई फिल्म बनता है, तो फिल्म बनने में उसमें बहुत सारे स्टंट होते हैं, तो क्या करता है, अचानक से कोई अगर कोई हीरो हो जाता है तो क्या होता है, अचानक से तो वो तो दौड़ लगाता नहीं है, वो क्या करता है, बार बार अभ्यास करता है, अभ्यास करता है 10 बार 15 बार 20 बार, वो क्या करता है, जंप मारता है, तो एक बार कहीं जाकर सक्सेस उसका होता है, तो वही सक्सेस उसको क्या करता है, आगे की ओर ले जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये था आपका अभियोगता का। दूसरे शब्दों में अगर कहते हैं, अभियोगता का संबंध भविष्य से होता है। भविष्य यानी कि अगर आज मेरा नाम, अगर हम किसी क्षेत्र में आज अपना नाम जुट गया किसी भी क्षेत्र में, किसी भी योग्यता से, तो क्या होता है, आने वाले भविष्य में वो हमारा नाम हमेशा क्या रहेगा, उज्जवल ही रहेगा। यानी कि वही कहता है अभियोग्यता का संबंध भविष्य से होता है। आगे कहता है अतः वह क्षमता से भिन्न होती है, यानी कि भविष्य से होता है वह क्षमता से भिन्न होती है, यानी हमारी कैपेसिटी से भिन्न हो जाती है। क्योंकि आज जितना मेहनत करने में हमको लगा समय, अगर मैं उस कार्य को सीख गया तो कल हमको उतना समय नहीं लगेगा, तो हमारी कैपेसिटी से बाहर हो गई, यानी कि आसानी से हम कर लेंगे। स्वयं स्वयं नहीं कर सकते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पर किसी और के थ्रू आदमी करा लेता है और उसमें आदमी अपना स्वयं का नाम जोड़ देता है। यानी कि यहाँ पर कहता है कि अगर आज जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं उतना मेहनत, वो मेहनत, आज का मेहनत हमारा कल रंग लाती है, तो कल हमको उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। जिसका संबंध केवल वर्तमान से ही होती है, यानी कि अभियोगता का संबंध भविष्य से होता है, और वो भविष्य को बनाता है वर्तमान से। यानी कि आज जो मेहनत करेंगे किसी भी कार्य को किसी भी क्षेत्र में, वो हमारा आने वाला समय के लिए फायदेमंद होता है। तो उस कार्य को करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, आपको अभ्यास की जरूरत पड़ती है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 2 तत्वों की प्रधानता होती है। देखिए अभियोगता के अंतर्गत
इसमें दो तत्व की मुख्य प्रधानता होती है, किसके अंतर्गत? अभियोग्यता के अंतर्गत रहती है। नंबर वन क्या कहता है, जिस कार्य के लिए व्यक्ति में अभियोग्यता है, यानी कि जिस कार्य को करने के लिए व्यक्ति में क्या योग्यता है, उसमें भावी सफलता पाने की संभावना होती है। यानी कि व्यक्ति जिस क्षेत्र में अगर पूर्ण रूप से मेहनत करता है, पूर्ण रूप से अभ्यास करता है, तो क्या होता है, उसमें उसको हमेशा क्या मिलती है, सफलता मिलने की 100% संभावना होती है। दूसरा क्या कहता है, उस अभियोग्यता के विकास के लिए अभ्यास और प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए फिर आगे वही बात कहता है कि देखिए जब सफलता हमको प्राप्त होगी, सफलता की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसी योग्यता या उसी अभियोग्यता के अंतर्गत क्या जरूरत पड़ता है, अभ्यास। आपको अभ्यास करना होगा, बार बार उस कार्य को करना होगा, या फिर उसकी प्रशिक्षण की आवश्यकता, या फिर उसको उसको उस उसके उस क्षेत्र में जाने के लिए हमें क्या होता है, दूसरे से क्या लेता है, शिक्षा लेने की जरूरत पड़ती है। यानी कि सीखने के लिए अपना समय व्यतीत करना पड़ता है, क्योंकि अब देखिए सीखने के लिए भी जाते हैं तो क्या करता है, वहां भी हमें अभ्यास करना पड़ता है। तो ये दो चीज आपकी क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है अभियोग्यता के अंतर्गत। आगे कहता है, अतः इन दोनों बातों के आधार पर, ये दोनों बात यानी कि कौन दो बात, पहला आपका कहता है कि जिस कार्य के लिए व्यक्ति में अभियोग्यता है उसमें भावी सफलता पाने की संभावना, और दूसरा कहता है उस अभियोग्यता के विकास के लिए अभ्यास और प्रशिक्षण की आवश्यकता। यानी कि ये दो बात, ये यही दो बात है, अतः इन दोनों बातों के आधार पर बिंदम, बिंदम जो है आपका एक मनोवैज्ञानिक है, बिंदम ने अपने शब्दों में क्या कहा है, बिंदम ने अपने शब्दों में अभियोग्यता को परिभाषित करके कहे हैं कि अभियोग्यता से हमारा तात्पर्य क्या, तात्पर्य व्यक्ति की उस तत्परता अथवा रुझान से है। यानी कि व्यक्ति की उस तत्परता, तत्परता यानी कि जिसमें वो अपने आप को योग्य बना रहा है और जिसके प्रति अपने आप को व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित कर दे रहा है, जो किसी पेशे या कार्य की भावी सफलता पाने, यानी कि जब हम किसी कार्य को करने में अपने आप को पूर्ण रूप से सफलता की प्राप्ति कर लेते हैं, जब उस हम अपने कार्य को सफलता की प्राप्ति करते हैं, सफलता पाने हैं, तो आवश्यक होती है, यानी कि उस कार्य को जब हम पूर्ण रूप से, देखिए जब हम उस कार्य में पूर्ण रूप से निपुण हो जाएंगे तो क्या होगा, उस कार्य में हमें सफलता भी प्राप्त होगी, आवश्यकता होती है, तथा जिसे प्रशिक्षण एवं सफलता द्वारा संभव किया जाता है। यही आपका कह रहे हैं, विंदमन कर रहे हैं, अब मैं इसको पढ़कर आपको समझा रहा हूँ। विंदमन ने बताया अभियोग्यता से तात्पर्य व्यक्ति की उस तत्परता अथवा रुझान से है जो किसी पेशे या कार्य में भावी सफलता पाने हेतु आवश्यक होती है, तथा जिसे प्रशिक्षण एवं सफलता द्वारा संभव किया जा सकता है। प्रशिक्षण और सफलता मतलब, प्रशिक्षण और सफलता, प्रशिक्षण मतलब सीख कर आदमी या अभ्यास कर क्या कर सकेगा, सफलता संभव किया जा सकता है। अतः अभियोग्यता का संबंध योग्यता से स्थापित किया जाता है, जिसके अंतर्गत योग्यता का अर्थ कार्य करने की शक्ति से है, जो मैंने आपको शुरू में बताया, कार्य करने की जो आपकी शक्ति है, और यानी कि देखा जाता है, देखिए प्रत्येक व्यक्ति की जो कार्य करने की जो शक्ति होती है, क्या होती है, क्षमता होती है, शक्ति अलग अलग होती है, और अलग अलग होती है, प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग क्षेत्र में क्या होता है, अलग अलग क्षेत्रों में अपना क्या रहता है, रुझान होता है, जाने का इच्छा होता है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, व्यक्ति उस क्षेत्र में जाने के लिए या उस चीज़ को सीखने के लिए या जानने के लिए क्या करता है, व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता रहता है। तो यही जो अभ्यास हो जाता है, अभ्यास करना ही अभियोग्यता कहलाता है यहाँ पर। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा अभियोग्यता के बारे में, अभियोग्यता क्या है और अभियोग्यता की परिभाषा के बारे में। इसके बाद की जो हम लोग की नेक्स्ट क्लास होगी, इसमें हम लोग देखेंगे अभियोग्यता परीक्षण के बारे में कि अभियोग्यता परीक्षण क्या है, अभियोग्यता परीक्षण क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट टॉपिक होगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।